था और हम लोग आज को मतलब शाम का 4 बज रहा था तब का ये मतलब मौसम है और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। और यहाँ पे बरसात के मौसम में अब जैसे ही बारिश होती है हम लोगों को चटपटा खाने का मन होने लगता है, तो वही अभी बने गए हमारे घर पकौड़े। तो यहाँ पे सृष्टि ने पकौड़े बना रही थी और थोड़े से हम लोग को ला के दे दी थी और फिर हम लोग खा रहे थे और फिर बन भी रहे थे, पकौड़े बन भी रहे थे और हम लोग खा भी रहे थे। तो इस तरीके से हमारा शाम बीता और आज शाम को सीटू कुछ बनाएगी अच्छा सा। और ये बहुत ही मतलब बरसात के मौसम में ठंडा में ये खाने का मन होता ही है, जैसे ही बारिश होने लगती है मतलब कुछ लगता है कि कुछ चटपटा खाऊं तो सृष्टि का मन होता है, फिर सभी का मन होता है, तो फिर हम लोग बनाते हैं। तो अभी हम लोग खा रहे थे और इसको हम लोग चटनी के साथ खा रहे थे, आम की चटनी मतलब आम का अचार है ना, उसमें बहुत सारी लहसुन और मिर्ची दे के और उसको पीसते हैं और फिर उसमें कच्चा मस्टर्ड ऑयल डालते हैं और बहुत टेस्टी लगती है उसको समोसे के साथ या पकोड़े के साथ, बहुत अच्छा लगता है वो चटनी। तो इस तरीके से हम लोग का मतलब नाश्ता हुआ। यहाँ पे कृति थोड़ा सा बेड को ठीक कर रही थी और ये सब होने के बाद मतलब थोड़ा सा बेड को ठीक कर रही थी और फिर इधर पकोड़े भी हमारे बन ही रहे थे तो थोड़ा सा हम लोगों ने खा लिया था और फिर सृष्टि थोड़ा सा और बना के रख रही थी अपने पापा के लिए, फिर हम लोग थोड़ा सा खा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम बहुत अच्छा से बीता और अभी शाम हो जाने अभी थोड़ी देर बाद हम लोग का ये बनेगा, मतलब वो सृष्टि बोली कि आज वो चाट बनाएगी। तो सृष्टि बोली कि यहाँ पर वो मतलब चाट बनाएगी, वही वो यहाँ पर बोल रही थी। तो चाट बनाने के लिए उसने मटर को पानी में भीज मतलब फूलने रख दिया था और वो समोसा और चाट बनाएगी। तो कुछ कुछ जो है वो हम लोग मतलब दिखा देंगे मेन और पूरा तो नहीं, मतलब जो भी है थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने सूखी मिर्च और जीरा को वो भून के पीस रही थी, थोड़ा सा सूखा मसाला जो कि हम लोग चाट में डालेंगे। और आलू फ्राई करने के लिए यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को वो पीस रही है और यहाँ पे आलू हमारा मतलब ये उबाल के रख लिए हम लोग और यहाँ पे मटर को हम लोग उबालने रखेंगे। और इस तरीके से हम लोग मतलब कि सिंगाड़ा बना लिए थे और सिंगाड़ा का क्लिप तो हम लोगों ने लिया था पर वो पता नहीं क्यों मतलब सेफ नहीं हुआ तो वो नहीं दिखा पाए, पर यहाँ पर हमारे समोसे बन चुके हैं तो अभी हमारे लग रहे हैं प्लेट। तो उसने समोसे को दो मतलब जिस भी जो भी क्वांटिटी जिस तरीके से जिसको खाना पसंद है तो उस तरीके से आप 2-3 समोसे लेके और तोड़ के और इस तरह प्लेट में रखने के बाद उसने थोड़ा सा नमक डाला था और फिर आलू और मटर का ये मतलब उबाल के उसने हल्दी नमक दे के उबाला था तो वो इसमें इस तरह से डाल रही थी। और ये इतनी चाट बनती है ना, इतनी टेस्टी लगती है कि मैं क्या बोलूँ। और यहाँ पर वो कटे हुए प्याज दे रही है और ये चाट इतनी अच्छी थी कि हम लोग यही खा के सो गए, हमारे मतलब हम लोग का पेट भर गया था। यहाँ पे वो वही मसाले डाल रही है सूखी मिर्च और जीरा का भून के उसने इस तरीके से पीस के बनाया था और ये बहुत अच्छा बनता है, मतलब मसाला इसी से बहुत टेस्ट बढ़ता है। और इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे और फिर अगर जिसे हरी मिर्च खाना है वो दे सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे तीखा अच्छा था, ये सूखी मिर्च से ही हमें मतलब नहीं दिए थे हम लोग हरा मिर्च, इस तरह से ही हो गया था। और यहाँ पे जो सबसे मतलब ज़रूरी होता है वो होता है खट्टा जो कि चाट में जाता है तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो कोई इमली का पानी डाल सकता है पर हम लोगों ने यहाँ पे जलजीरा पाउडर यूज करते हैं हम अपने चाट में, जिससे कि हमें बहुत मतलब खट्टा मिल जाता है और बहुत टेस्टी भी मिल जाता है और बहुत मतलब खाने के बाद हजम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब अपने अनुसार जिस तरह की हमें खाने होते हैं उस तरीके से हम लोग यहाँ पे जलजीरा पाउडर यूज करते हैं हम अपने चाट में हमेशा से। तो ये बहुत अच्छे चाट मेरे तैयार। और यहाँ पे हमारी चाट मतलब रेडी था, मुझे ला के सृष्टि ने दे दिया था
तो ये मैं चाट का ही तारीफ़ कर रही थी। और यहाँ पे सांभा जो कि अभी हम लोग के साथ खेलने आ गया है हमारे घर पे, तो ये सांभा है। और ये सांभा मतलब आज इतना हम लोग के साथ मतलब खेल रहा था ना घर में कि मैं मतलब मुझे हम लोग बहुत खुश हो गए इसको देख के। अब कभी कभी तो ये भाग जाता है पर आज हमारे घर आ गया था और ये बहुत खेल रहा था। और इसकी मम्मी है ना मुन्नी, तो मुन्नी आती है, वो भी आते रहती है। पर अभी सांभा हम लोग साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल गया है। सांभा का एक बहन है, अब वो ये दो भाई बहन है ये लोग। तो अभी इसकी बहन भी एक दिन आई थी तो बहुत अच्छा से मतलब वो आ रही थी पास में धीरे धीरे से। और सांभा तो बहुत पहले से आता है हम लोग के पास और ये कितना अच्छा से अभी हम लोग के साथ बैठ जाता है सीटू के गोद में, बहुत खेलता है और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। ये इतना मतलब मस्ती करता है ना हम लोग के साथ में। और फिर इसको क्या मतलब खाना है वो मुझे समझ नहीं आता, म्याऊं म्याऊं करते रहता है और उसको क्या खाना है समझ नहीं आता। और बहुत प्यार से मतलब थोड़ा लगता है कि पता नहीं ये, कभी मुझे डर भी थोड़ा लगता है लेकिन अच्छा लगता है ये। बहुत आज तो बहुत देर से खेल रहा था और सीटू को गोद में बैठ रहा था, आ रहा था जाता था। इसको भूख लगी थी तो मैं थोड़ा सा इसको रोटी दे रही थी तो ये खाने की कोशिश कर रहा था पर वो मतलब उतना अच्छा से नहीं खा पा रहा था। ये इसको क्या चाहिए सा मतलब दूध एक बार दिए थे तो थोड़ा सा मतलब खाता है पर अभी इसको क्या चाहिए समझ नहीं आता, कभी इधर कभी उधर उसको समझ नहीं आता उसको क्या चाहिए। और अभी खेलते रहता है, जब भी हम लोग बुलाएंगे जैसे ही हम लोग बोलेंगे सांभा तो वो दौड़ के आ जाता है इस तरीके से। सिस्टी बुला रही थी सांभा सांभा तो वो आ जाता है और बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ। मतलब मॉर्निंग में थोड़ा सा ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे और ये कितना अच्छे से देख रहे ना, कितना घुल मिल गया है हम लोग के साथ में। एकदम सीटू के गोद में बैठ जाता है, कभी कृति के गोद में बैठ जाता है। तो इस तरीके से सांभा हम लोग के साथ खेलता है। सांभा की एक बहन है, वो भी अभी आ ही जाएगी क्योंकि वो एक दो बार आके हम लोग को देख रही थी दूर से ही। तो ये बगल घर में ही ये लोग का जन्म हुआ था तो ये लोग वहीं से आ जाते हैं हमारे घर पे। मुन्नी तो बहुत पहले आती थी, मतलब इसकी ये सांभा की जो मम्मी है वो आती थी हमारे घर में ऐसे ही उम्र में, इससे भी छोटी थी तब से वो आती थी। तो वो मुन्नी फिर वो काफ़ी दिन तक नहीं दिखी थी, फिर हम लोग समझ नहीं पा रहे थे वो कहाँ चली गई थी। फिर पर उसके मतलब पीठ पे एक छोटा सा निशान था बचपन में ही, तो वो निशान से हम लोग समझ गए थे कि ये मुन्नी है जिसको हम लोग बचपन में प्यार करते थे। तो वो उसका नाम हम लोग मुन्नी रखे हैं। तो मुन्नी जब वो बहुत मेरे घर में आती थी और बहुत सारे मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे ना, तो पकड़ पकड़ के ले कर चली जाती थी। कभी भी आ जाती थी उसको डर नहीं लगता था। हम लोग भी चूहा, हमारे घर पे इतने चूहे हो गए थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इस चूहे को। मैं दवा हुआ तो दे नहीं सकती थी, मुझे एकदम दवा देना पसंद नहीं था। तो मैं सोचती थी कि मैं चूहे को कैसे भगाऊँ, पर मुन्नी आके पूरा घर का मेरा चूहे का सफाया कर गई और मेरा घर पूरा साफ हो गया। अभी तो आते हैं लोग तो कुछ मिलता ही नहीं वो लोग को, इसीलिए वो म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं सब। अभी तो चूहा ख़त्म हो गया और मुन्नी आके बहुत खोजती है पर चूहा नहीं मिलता क्योंकि उसने सारे चूहे का सफाया कर दिया था हमारे घर से और हम लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ा। और मैं थोड़ा सा चूहों से परेशान हो गई थी, बहुत चूहे लोग बहुत परेशान करते थे। तो सारे मतलब मुन्नी ने मेरे घर का सारे चूहे का सफाया कर दिया और अभी वो खोजती है तो दिखता ही नहीं। मैं भी चाहती हूँ तो कुछ भी दिखता ही नहीं। और यहाँ पे कृति के साथ थोड़ा सा सांभा खेलने के बाद चला गया था। तो यहीं तक की थी आज की हमारी।